पद्मावती का फर्स्ट लुक तो आउट हो ही चुका है और पद्मावती में दीपिका का ये अवतार ही साफ बताता है कि दीपिका के इस लुक पर कितना पैसा लगा होगा। फिर चाहे वो उनके ये तरह तरह के घाघरे हो या फिर ये रॉयल गहने जो पहले ही एक पॉपुलर और एक्सपेंसिव ब्रांड से दिए गए हैं। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह के लुक्स पर भी काफी वर्क किया गया है और उनकी पोशाकें भी एक से बढ़कर एक हैं। और राजा रतन सिंह के रूप में शाहिद कपूर भी जच रहे हैं अपने रॉयल अवतार में। इसके अलावा फिल्म के सेट्स पर भी कमाल का काम किया गया है, क्योंकि फिल्म का बजट ही सबके दिमाग चकराने के लिए काफी है। फिल्म का टोटल बजट है अराउंड 190 करोड़ रुपए। उस पर इन स्टार्स की फीस भी करोड़ों में है, जो उन्हें फिल्म साइन करने पर और फिल्म के कम्प्लीशन पर मिल जाती है। बट क्या आप जानते हैं कि यस्टरडे डीवा हेमा मालिनी ने भी मीरा और रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों में काम किया है। और आप जानकर हो जाएंगे हैरान कि जितना बजट पद्मावती में दीपिका के घाघरों का है, उतना तो हेमा मालिनी की पूरी फिल्म का बजट नहीं होता था। इतना रॉयल रोल करने के बावजूद हेमा मालिनी को अपनी ही फीस के लिए डायरेक्टर से गुजारिश करनी पड़ती थी और फिल्म के लिए बजट भी नहीं होता था। तभी तो रजिया सुल्तान को बनाने में लग गए 8 साल। खुद हेमा मालिनी ने बताया कि जिस वक्त वो रजिया सुल्तान और मीरा जैसी फिल्में एक साथ कर रही थी, उस वक्त उनकी एक दिन की फीस थी सिर्फ 2000 रुपए। और उसके लिए भी हेमा मालिनी को रोज प्रोड्यूसर्स की जेब देखनी पड़ती थी। जिस दिन भी उनकी जेब से छोटा सा एनवेलप निकलता था, उस दिन हेमा को अपनी फीस मिल जाती थी, मगर ज्यादातर टाइम उन्हें बिना पैसे लिए ही वापिस जाना पड़ता था। जी हाँ, खुद हेमा मालिनी ने अपने बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के लॉन्च पर ये बात कबूल की है कि मीरा और रजिया सुल्तान बेशक रॉयल स्टोरीज पर बेस्ड थी, लेकिन इन फिल्मों को कंप्लीट करने के लिए प्रोड्यूसर्स के पास पैसा ही नहीं होता था और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इन फिल्म्स को कंप्लीट किया, जो आज हिस्ट्री बन गई है।